हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आज तारीख हो चुकी है 14 जून 2021 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2021 को लेकर आईपीएल के सभी फ्रेंचाइज, इसके साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर 8 काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट क्रिकेट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग आईपीएल या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट निकल कर आती है उन 3 टीमों के हवाले से जिनको यूएई में आईपीएल होने से काफी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है, यानी कि यूएई में आईपीएल जब रिशेड्यूल होगा तो इन 3 आईपीएल टीमों को बहुत ही तगड़ा एडवांटेज मिलेगा और हो सकता है आपको ये 3 टीमें पॉइंट्स टेबल में टॉप की पोजीशन की तरफ भी जाते हुए नजर आ जाएं। तो ये जो रिपोर्ट हमारे सामने निकल कर आई है, ये है क्रिकबस के हवाले से, जहां पर सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है मुंबई इंडियंस की टीम का, क्योंकि एमआई की टीम का यूएई में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कमाल रहा था, इस टीम ने आईपीएल का टाइटल भी जीता था और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस की टीम यूएई में जब जाएगी तो सबसे खतरनाक ये टीम बन जाएगी। दूसरे नंबर पर रखा गया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, डीसी की टीम ने आईपीएल 2020 की रनर अप टीम रही थी और गाइज ऐसे में जब वो वहां जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई होगा। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर रखा गया है पंजाब किंग्स की टीम को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पंजाब किंग्स की टीम करेंटली इंडिया में तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन अगर आपको याद हो तो यूएई में लास्ट ईयर इस टीम ने बहुत ही ज्यादा कमाल का प्रदर्शन किया था और उसके साथ ही केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, निकोलस पुरन और क्रिस गेल, यानी कि जो इनके टॉप फोर हैं, उन्होंने काफी ज्यादा रन स्कोर किए थे यूएई में। तो ये 3 टीमें हैं जिनको काफी ज्यादा एडवांटेज हो सकता है आईपीएल के यूएई में शिफ्ट होने से। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में। हमें एक बहुत ही बड़ा समझौता होते हुए देखने को मिला है और गाइस ये समझौता थोड़ा सा अजीब भी है। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले बीसीसीआई आईसीसी टूर्नामेंट्स को इनक्रीज करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। आईसीसी और बाकी जो क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं उनका मानना है कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, यानी कि एक साल में एक या फिर 2 आईसीसी के टूर्नामेंट्स को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई इस बात से सालों से इनकार करते हुए आ रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय टीम का जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है और ऐसे में कोई भी फायदा नहीं है आईसीसी टूर्नामेंट को करवाने का। लेकिन गाइज, अब अचानक से बीसीसीआई इस बारे में मान गई है, जिस बात के लिए सालों से वो इसका अपोज करते हुए आ रहे थे। और इसका जो रीज़न है वो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर एक ट्रेड ऑफ डील हमें देखने को मिली है आईसीसी और बीसीसीआई के बीच में, जहाँ पर ICC एक अपना ICC का टूर्नामेंट एक साल में इंक्रीज कर देगी और BCCI उसके बदले अगले साल से IPL के लिए लॉन्गर विंडो तलाश कर रही है, क्योंकि 10 टीमें आ जाएंगी और BCCI चाहती है कि 60 दिन नहीं बल्कि 76 से लेकर 94 दिन तक IPL को करवाया जाए एक साल में। तो इस तरीके से ICC और BCCI के बीच में हमें डील देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है ABD Villiers की तरफ से, जहां पर ABD को लेकर आप में से बहुत सारे लोग जो कि RCB के फैंस हैं उनका क्वेश्चन था कि फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी जो है उसमें क्या ABD Villiers भी आते हैं, क्या ABD Villiers UAE में IPL होने की स्थिति में हमें RCB की टीम के मैचेस को स्किप करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है, ABD Villiers अगर IPL होता है तो 100% आप लोगों को RCB की टीम से अवेलेबल रहते हुए नजर आएंगे और UAE में IPL रिशेड्यूल होने की स्थिति में मैच नंबर 1 से ही आप लोगों को ABD Villiers रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है ऐसे 5 युवा सुपरस्टार्स की तरफ से जो कि अब हमें आईपीएल से रिलीज होते हुए नजर आ सकते हैं अचानक से ही। और गाइज, ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया बी की टीम में इन्हें जगह दी गई है, जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट खेलने वाली है। और गाइज, अगर वहां पर इनका डेब्यू हो जाता है, यानी कि अगर ये भारतीय टीम की साइड से खेल लेते हैं, तो फिर ये अनकैप नहीं बल्कि कैप प्लेयर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। और क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन होने वाला है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आप सिर्फ 3 ही प्लेयर्स को रिटेन कर पाएंगे, तो इनके टीम में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार प्लेयर्स हैं कि इनको मजबूरी में इनकी रिस्पेक्टिव टीम को रिलीज करना पड़ेगा, जो कि अगर ये अनकैप्ड होते तो इनको आसानी से रिटेन किया जा सकता था। इस लिस्ट की बात की जाए तो इसमें आते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के देवदत्त पाडिकल, राजस्थान रॉयल्स के चेतन सकारिया, चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़, कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती और उनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेड किए गए कृष्णप्पा गौतम। इनमें से जो भी प्लेयर श्रीलंका की साइड से टीम में पिक
होता है उसको आप लोग 100% समझ सकते हो कि वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव आईपीएल फ्रेंचाइज से इस बार अपना आखिरी आईपीएल खेल रहा है और अगले बार वो रिलीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले। जो भारत की टीम एक इंटर टेस्ट मैच खेल रही है आपस में ही केएल राहुल और विराट कोहली की 11 के बीच में, उसमें जो डे 3 है उसकी हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूं। तो डे 3 में हमने देखा रविंद्र जडेजा का शानदार अर्धशतक, जहां पर जडेजा ने अपनी आईपीएल और उससे पहले की फॉर्म को मेंटेन रखा। तो इस तरीके से उन्होंने जो विपक्षी टीम के जितने भी बॉलर थे उनकी खासी धुलाई कर दी। और गाइस बॉलिंग थोड़ा सा चिंता का यहां पर सबब भारतीय टीम के लिए जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि पहले के दो दिन में भी हमने आपको बताया था किस तरीके से ऋषभ पंत और उनके साथ ही शुभमन गिल ने भारतीय गेंदबाजों की पिटाई कर दी थी। और खासकर न्यूजीलैंड के बैट्समैन जिस तरीके से खेल रहे हैं उसको देखते हुए हो सकता है बॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है दिलीप वेंगसकर की तरफ से, जो कि पुराने क्रिकेट प्लेयर हैं और करेंटली वो क्रिकेट का एनालिसिस करते हैं। और गाइस उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से कन्विंसिंगली न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर बीट कर दिया पहले टेस्ट मुकाबले में, इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को भी टेस्ट जो रैंकिंग होती है उसमें नंबर 1 की पोजीशन से खिसका कर नंबर 2 पर भेज दिया है। और अब न्यूजीलैंड पूरी दुनिया भर की नंबर 1 टीम बन चुकी है। तो उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड जो इंग्लैंड के साथ ही मुकाबले खेल रही है इसका उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, क्योंकि भारतीय टीम को पिच का कोई भी अंदाजा नहीं होगा और न्यूजीलैंड की टीम अच्छे तरीके से इस पिच को भांप चुकी है। खासकर उनकी जो बॉलिंग यूनिट है उसने इंग्लैंड को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही है। तो वेंगसकर के हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेवरेट नज़र आ रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी टीम आपके हिसाब से इस मुकाबले में बाजी मारेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा खुलासा, और ये खुलासा हुआ है कुलदीप यादव की तरफ से, जहां पर कुलदीप पिछले 2-3 महीने में चांस ना मिलने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए हैं। विराट कोहली को लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद MS धोनी को लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, और अब कुलदीप यादव ने कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जहां पर उन्होंने बताया कि KKR की टीम IPL 2021 में खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, यानी कि उनकी टीम के जो टॉप विदेशी प्लेयर्स थे उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए यही वजह है कि KKR की टीम के ये प्लेयर अपनी रिस्पेक्टिव टीम के लिए तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन KKR की टीम में आकर ये बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। उन्होंने ये भी बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जहां पर यंग प्लेयर्स को या फिर जो प्लेयर इनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते उनको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। तो कुलदीप यादव को चांस नहीं मिला है और ऑब्वियसली बात है वो फ्रस्ट्रेशन अब उनकी धीरे धीरे बाहर आने लगी है, क्योंकि शायद ये उनके करियर का जो प्राइम हो सकता था उस टाइम पर ही वो अब ऑलमोस्ट सारी ही जितनी भी भारतीय टीम की भी लिस्ट होती है उस लिस्ट से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन कौन से लोग आपको कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। तो इसमें जो हिंदी वाला पैनल होता है जिसमें हिंदी में जो लोग कमेंट्री करते हैं उनके नाम की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। तो जो लोग हिंदी कमेंट्री आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में करते हुए नजर आएंगे उनके लिस्ट इस तरीके से है, जतिन सापरू, उसके साथ ही आकाश चोपड़ा, उनके साथ ही संजय बांगर, उनके साथ ही नाम निकल कर आता है VVS लक्ष्मण का, और उनके साथ ही नाम निकल कर आता है इरफान पठान का। ये 5 लोगों का पैनल आपको हिंदी कमेंट्री के बीच में स्विच करता हुआ नजर आएगा। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक या फिर किस टीम के ऊपर देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।